brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. आखिरकार पवन सिंह ने काराकाट को लेकर बड़ा फैसला ले ही लिया। पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। खबर ये थी कि पवन सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात का खंडन किया और वो भी बहुत ही अनोखे अंदाज में। पवन सिंह ने रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति का जिक्र करते हुए लिखा, सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ भीषण और शनि का, प्रलय गांडिव की टंकार हूँ मैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है। इस कविता से प्रेरणा लेते हुए ही मैंने कुछ दिन पहले काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। जल्द ही अपने काराकाट के परिवार से मिलेंगे। अब पवन सिंह के इस ट्वीट के बाद से ये तय हो गया कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। इससे पहले पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहली लिस्ट में बंगाल के आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन ऐन मौके पर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से ये खबर थी कि पवन सिंह को बिहार की किसी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पवन सिंह ने आखिरकार अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब काराकाट में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के उम्मीदवार हैं, जो कि एनडीए से हैं। अब एनडीए में सीधी टक्कर उपेंद्र कुशवाहा को अगर किसी से मिलने की संभावना है तो वो पवन सिंह से है। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह खेल भी बिगाड़ सकते हैं, यानी कि काराकाट का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और अब निर्दलीय पवन सिंह। तो पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपको कैसा लगा ये कमेंट कर हमें जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि पवन सिंह काराकाट से क्या सबसे बड़ी चुनौती उपेंद्र कुशवाहा के सामने पेश कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।